बांग्लादेश का नाम आते ही हम भारतीयों के दिलो दिमाग में कौंध जाता है सन 1971। पूर्वी पाकिस्तान अर्थात आज के बांग्लादेश की आवाम का शौर्यतापूर्ण संघर्ष और पाकिस्तान के तानाशाह शासकों द्वारा ढाए गए बेपनाह जुल्म, ऐसे अत्याचार के दिल दहल जाए, रोंगटे खड़े हो जाए। अपनी जातीय पहचान के इस संघर्ष में अनगिनत युवाओं, छात्रों, बुद्धिजीवियों तथा अन्य नागरिकों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। इस जुझारू संघर्ष के नेता थे बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। भारत की सहायता से आजाद हुए इस देश की गिनती उन देशों में की जाती है जो दुनिया के ज्यादातर देशों द्वारा गुलामी की जंजीरों से मुक्त होने के बाद स्वतंत्र हुए थे। आजादी के बाद ये दुनिया का 139वां प्रभुता संपन्न देश बन गया। पश्चिम तथा उत्तर में भारत और पूर्व में म्यांमार यानी बर्मा के बीच स्थित बांग्लादेश को दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी में बसा ये सुंदर देश लगभग 1,44,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अधिकतर क्षेत्र मैदानी है जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप की दो प्रमुख नदियां बहती हैं। एक है गंगा जिसे बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है और दूसरी है ब्रह्मपुत्र जो यहाँ यमुना के नाम से जानी जाती है। पद्मा, यमुना और मेघना के साथ इस धरती से बहने वाली अनेक छोटी बड़ी नदियाँ यहाँ इसे जीवन देती हैं। वहीं इनमें अक्सर आने वाली भयंकर बाढ़ जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। दुनिया के सबसे सघन आबादी वाली बांग्लादेश की जनसंख्या 12 करोड़ के आसपास है। इसमें लगभग 87% मुस्लिम, 12% हिंदू तथा 1% आबादी बौद्धों, ईसाइयों और आदिवासियों की है। बांग्लादेश की आबादी का बहुत बड़ा लगभग 80% हिस्सा गांव में रहता है और खेती तथा इससे जुड़े उद्योग धंधों पर निर्भर है। मुख्य फसलें धान और जूट है। वास्तव में दुनिया में जूट का बड़ा निर्यातक है बांग्लादेश, लेकिन उत्पादकता कम है, लोग बहुत गरीब हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 20% से अधिक लोग अपनी आय का 55% से अधिक हिस्सा जैसे तैसे अपना पेट पालने पर खर्च करते हैं। इनके पास अपने बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल भेजने को पैसा कहाँ है? ये इनको काम में लगाते हैं जिससे कि परिवार को चलाने में बच्चों का योगदान मिल सके। ये स्थिति नई नहीं है। 1971 में जब बांग्लादेश ने पाकिस्तानी गुलामी से आजादी हासिल की तब टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम के देश की केवल 17% से कुछ ही ज्यादा आबादी साक्षर थी। सरकार के प्रयासों के पश्चात आज साक्षरता का ये प्रतिशत 65 के आसपास है जबकि महिलाओं में केवल 52% ही साक्षर हैं। घोर गरीबी, बाढ़ और सूखे तथा राजनीतिक अस्थिरता एवं उथल पुथल के बीच बांग्लादेश में साक्षरता को फैलाने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं, यही जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे। ढाका बांग्लादेश की राजधानी। पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस प्राचीन नगर ने असाधारण विकास किया है। इसके विस्तार तथा इसके आबादी में अपार बढ़ोतरी हुई है। रोजी रोटी की तलाश में देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते गए, बसते गए और शहर बढ़ता गया। 1971 में इसकी आबादी 10 लाख थी जो आज 80 लाख को पार कर गई है। ये दुनिया का 20वां सबसे बड़ा नगर है। ढाका दुनिया की रिक्शा राजधानी है। यहाँ 3 लाख से अधिक रिक्शा है। रंग बिरंगे ये खूबसूरत रिक्शा राजधानी के लाखों गरीबों को रोजी रोटी देते हैं।
ये लोगों को यातायात का सस्ता और सुविधाजनक जरिया उपलब्ध कराते हैं। 3/4 से अधिक रिक्शा चालक अनपढ़ हैं। स्वाधीन बांग्लादेश को अपने संविधान में शिक्षा को एक मूलभूत मानव अधिकार के रूप में स्वीकार किया था। सरकार को उत्तरदायित्व सौंपा था कि वो सबके लिए समान जनोन्मुख तथा सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की स्थापना करे, सभी बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। संविधान में ये भी कहा गया था कि शिक्षा को समाज की आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाए। संविधान के इन निर्देशों को पूरा करने की दिशा में सरकार ने 1973 में 36,000 से अधिक प्राथमिक स्कूलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अगले वर्ष विख्यात साहित्यकार और वैज्ञानिक डॉक्टर कुदरत खुदा के नेतृत्व में बांग्लादेश शिक्षा आयोग का गठन हुआ। अपनी रिपोर्ट में इसने कहा था कि प्राथमिक और जन शिक्षा की मौजूदा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन किया जाना चाहिए। इसमें जोर दिया गया था कि शिक्षा का प्रसार करने के लिए सारे देश में साक्षरता आंदोलन चलाया जाना जरूरी है। लेकिन 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद राजनीतिक अस्थिरता और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। 1980 तक शिक्षा का मामला अधर में लटका रहा। इस बीच लगभग 5 करोड़ लोगों को साक्षर बनाने के लिए कुछ कार्यक्रम शुरू किए गए, पर तभी सरकार फिर पलट गई, काम रुक गया। आम शिक्षा का काम दोबारा शुरू हुआ 1987 में। 27 थानों यानी ब्लॉकों से आरंभ करके इस काम का विस्तार 16 अन्य थानों में किया गया। 1988 में सरकार ने छोटे स्थानीय संगठनों के जरिए जन शिक्षा परियोजना शुरू की। इसमें कुल मिलाकर 49 गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया गया। इनका काम स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम को लागू करना था। जन शिक्षा आंदोलन के अंतर्गत साक्षरता कार्यक्रम कुल मिलाकर 202 थानों में चलाए गए, लेकिन इनमें उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था, अतः साक्षरता आंदोलन की उपलब्धियों को बरकरार नहीं रखा जा सका। बड़ी संख्या में नवसाक्षर फिर निरक्षरता की गर्त में डूब गए। बांग्लादेश की साक्षरता के चित्र में उल्लेखनीय मोड़ आया 1990 के बाद। इस वर्ष थाईलैंड के जोमटियन में सबको शिक्षा के लिए विश्व सम्मेलन हुआ था। न्यूयॉर्क में बाल अधिकारों पर विश्व सम्मेलन भी 1990 में ही आयोजित किया गया था। इसी वर्ष बांग्लादेश ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम पारित किया और 1992 में प्राथमिक तथा जन शिक्षा विभाग की और उसके बाद अनौपचारिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की। अनौपचारिक शिक्षा निदेशालय बांग्लादेश की सरकार के प्राथमिक एवं जन शिक्षा विभाग के अधीन काम करता है। इसका प्रमुख महानिदेशक होता है। सरकारी स्तर पर नीतियों का निर्माण करने और कार्यक्रमों को तैयार तथा उनको लागू करने के लिए संस्थाओं का निर्माण मोटे तौर पर इन उद्देश्यों को सन 2000 तक पूरा करने के लिए किया गया। प्राथमिक कक्षाओं में भर्ती की दर को वर्तमान 76% से बढ़ाकर 95% तक ले जाना, महिलाओं की भर्ती की दर को 70% से बढ़ाकर 94% करना, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों के प्रतिशत को 60-30 पर ले जाना और प्रौढ़ शिक्षा की दर 35 से बढ़ाकर 62% करना। ठोस रूप से मुख्य लक्ष्य 8 वर्ष से 45 वर्ष तक के लगभग 3,50,00,000 निरक्षरों को साक्षर बनाना था। शिक्षा के प्रसार प्रचार के लिए बनाए और चलाए जा रहे तमाम कार्यक्रमों पर भारत के राष्ट्रीय साक्षरता अभियान और खास तौर पर वर्धमान मॉडल का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। वास्तव में बांग्लादेश के साक्षरता आंदोलन में सबसे आगे रहे लाल मोनिहाट जिले के कलेक्टर ने पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले का दौरा किया था।
और यहाँ के प्रयोग से अत्यंत प्रभावित हुए थे। कुल मिलाकर बांग्लादेश के साक्षरता आंदोलन के लगभग एक दशक के बाद उसके 64 जिलों में से केवल 5 जिलों को संपूर्ण साक्षर घोषित किया गया, अर्थात इन जिलों में लक्षित जनसंख्या के 75% या इससे अधिक लोग पढ़ लिख सकते थे। ये सफलता सबसे पहले लाल मुनिहाट जिले को मिली। इससे प्रेरणा पाकर राजशाही, चुआडांगा, मगुरा और सिराजगंज जिले भी अपने लक्ष्य को पूरा करने में सफल रहे। हमें बताया गया कि दो अन्य जिलों मेमनसिंह और गाजीपुर ने भी संपूर्ण साक्षरता आंदोलन के अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन इनको अभी पूर्ण साक्षर घोषित नहीं किया गया है। साक्षरता के स्तर तथा साक्षरता अभियान की सफलता के दावों को लेकर अनेक संदेह भी हैं। इस संबंध में कार्यक्रम की एक और कमजोरी भी नजर में आती है। नव साक्षरों तथा साक्षरता आंदोलन की उपलब्धियों को बनाए रखने तथा उनको आगे बढ़ाने के लिए बांग्लादेश के संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम में शिक्षा को जारी रखने की कोई योजना नहीं बनाई गई है। इसके अभाव में नव साक्षर दोबारा निरक्षरता की ओर जा सकते हैं। इसके अलावा साक्षरता कार्यक्रम को केवल लिखना, पढ़ना और जोड़ बाकी सिखाने तक ही सीमित रखा गया है। साक्षरता कार्यक्रम को आमदनी बढ़ाने के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण से जोड़ा नहीं गया है। कार्यक्रम में आगे भी इसका कोई प्रावधान नहीं है। समतुल्यता कार्यक्रम भी नहीं चलाए जा रहे हैं। इनका कोई उल्लेख तक नहीं मिलता। इसकी अनुपस्थिति से नव साक्षर और स्कूली शिक्षा को बीच में छोड़ देने वाले बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने का अवसर नहीं मिल पाता। इसका लाभ खास तौर पर 8 से 18 वर्ष तक के बच्चों को मिल सकता था। गांव-गांव में चल रहे इन साक्षरता केंद्रों का इस्तेमाल सूचना केंद्रों के रूप में नहीं किया गया। ऐसा करने से लोगों को सरकार की विकास योजनाओं की जानकारी मिल सकती थी, उनकी जागरूकता का स्तर विस्तृत हो सकता था और वे इनसे जुड़ सकते थे। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि बांग्लादेश ने अपने संपूर्ण शिक्षा आंदोलन में भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में चल रहे प्रयोगों और कार्यक्रमों को सिद्धांत और व्यवहार में आंशिक तौर पर ही आत्मसात किया है। गवर्नमेंट एक बड़ा व्यापक कर्मसूची আছে। ऐसी बात नहीं, सरकार सतत शिक्षा के कार्यक्रम के बारे में सजग है। यह कार्यक्रम 3 महीनों के लिए चलाया जाएगा। उन लोगों को जो पहले किसी व्यापार या रोजगार से जुड़े हैं, उनको सतत शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं साक्षरता हासिल करने वाले 11 से 45 वर्ष के बीच वाले नौ साक्षरों के लिए रोजगार संबंधी सतत शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाएगा। लेकिन इसका लाभ वही लोग उठा सकते हैं जिनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत कमजोर है। कर्म उपयोगी शारीरिक गठन वयस इत्यादि विवेचना करे तक विभिन्न कर्मे नियोजित अवश्य कर। उपलब्धियों, कमियों और कठिनाइयों को अधिक नजदीक से जानने के लिए हमने बांग्लादेश के कुछ भीतरी इलाकों की यात्रा की, कक्षाओं को चलते हुए देखा। नव साक्षरों, साक्षरता कर्मियों, अधिकारियों, आंदोलनों से जुड़े तथा आम लोगों से बात की। हमने अपनी इस यात्रा की शुरुआत ढाका प्रखंड के मानिकगंज से की। ढाका शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित जनपद मानिकगंज 1379 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 7 ब्लॉकों में बटे इस जिले में 1688 गांव हैं। सड़कें ज्यादातर कच्ची हैं। गांव के घर अधिकतर कच्चे झोपड़ियों के रूप में हैं। जिले की आबादी है लगभग 14 लाख। इसमें
38,000 से अधिक परिवार भूमिहीन खेत मजदूर हैं, 48,000 के लगभग सीमांत किसान और 42,000 छोटे छोटे जोतों वाले किसान हैं। लगभग 29,500 परिवार मझोले किसानों के हैं। अधिकतर किसान साल में दो फसलें लेते हैं। बड़े और साधन संपन्न 9,000 किसान परिवार तीन फसलें भी उगा लेते हैं, लेकिन खेती की लागत बहुत है, रासायनिक उर्वरक बहुत महंगे हैं। पद्मा, यमुना तथा धालेश्वरी, काली गंगा और ईसामती नदियों के इस जिले की भूमि उपजाऊ है, पर इस उपजाऊ धरती में अधिकतर लोगों के पसीने से मानव अभाव और गरीबी की फसलें ही पकती हैं, और जो बचता भी है उसे इन नदियों में अक्सर आने वाली बाढ़ अपने साथ ले जाती है। जैसे तैसे गुजर बसर करने की चक्की में पिसते ज्यादा लोगों को स्कूल जाने और बच्चों को स्कूल भेजने की बात आसानी से गले नहीं उतरती, उनको पढ़ना लिखना सीखने का कोई मतलब नजर नहीं आता, अक्षर ज्ञान की तो कोई व्यवहारिक उपयोगिता दिखाई नहीं पड़ती। लेखापड़ार हार इतिपूर्वे कुछ वर्ष पहले यहाँ साक्षरता का दर केवल 28 से 30% 1998 से यहाँ सार्विक शिक्षा आंदोलन चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम लोगों को साक्षर बनाने के लिए चलाया जा रहा है। इसका लक्ष्य निरक्षरता मिटाना है तथा शिक्षा के लाभ को लोगों तक पहुंचाना है। सार्विक शिक्षा आंदोलन के अंतर्गत मानिकगंज के 7 उपजिलों में साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 5 उपजिलों में सफलतापूर्वक यह कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है। दौलतपुर और सिंगेर में यह कार्यक्रम अभी चल रहा है। दौलतपुर एवं सिंगेर। इतनी भारी सफलता के इन सरकारी आंकड़ों पर विश्वास करना कठिन है। नव साक्षर कहे जाने वाले अधिकांश लोग गरीब किसानों या मछुआरों के परिवारों से आते हैं। छोटी छोटी जोतों वाले इन किसान परिवारों और दिन भर मछलियां पकड़ने में लगे रहने वाले मछुआरों के लिए साक्षरता के लिए इतना समय दे पाना संभव नहीं होता। दिहाड़ी पर काम करने वाले खेत मजदूर के लिए अपना काम छोड़कर कक्षाओं में आना भी कठिन ही होता है। मानिकगंज में हर तरफ ईंटों के भट्टे ही भट्टे हैं। बांग्लादेश में बहुत छोटे से इलाके को छोड़कर कहीं पहाड़ नहीं है। मकान और सड़कों के निर्माण के लिए ईंटों का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये भट्टे हजारों गरीब लोगों को रोजी रोटी देते हैं। दिन भर 10-12 घंटे की जी तोड़ मेहनत से ये जैसे तैसे गुजर भर कर पाते हैं। ठेके पर बांधे गए इन मजदूरों को औसतन 100% रोज की मजदूरी पड़ती है। इस मेहनत मशक्कत की जिंदगी में सुबह से शाम कहां फुर्सत है इनके पास कि ये कक्षाओं में जाकर अक्षर ज्ञान करें। मोहम्मद करीम बस अपना नाम लिख सकते हैं। उनको पता है कि साक्षरता कक्षाएं चलती हैं। ये शायद पढ़ने लिखने के महत्व को भी जानते हैं, पर दिन भर के बाद मिलने वाले अपने 100% को छोड़कर कैसे जाएं? सौगात इसी ब्लॉक में है जहां साक्षरता आंदोलन चल रहा है। कभी ये स्कूल जाया करते थे, पर रोजी रोटी कमाना ज्यादा जरूरी था। पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। पिता और माँ भी मजदूरी करते हैं। 2 छोटे भाई हैं, 2 बहनें हैं, ये सबसे बड़े हैं। काम ना करे तो घर कैसे चले? मोहम्मद बादशाह कुछ अक्षर पढ़ लिख लेते हैं, पर कोशिश करनी पड़ती है इसके लिए। 5 महीने के ठेके पर काम कर रही है। इन्हें कुछ पता ही नहीं कि कहीं कोई साक्षरता कार्यक्रम भी चल रहा है। यूनुसली भी ईंटों के भट्टे पर मजदूरी करते हैं। ये केवल अपना नाम लिखना जानते हैं। स्कूल बचपन में ही छूट गया था। ठेके पर 5 महीने काम करके इनको 7,000 मिलेंगे। पिता सब्जियां बेचते हैं, पर इससे पूरा नहीं पड़ता। यहाँ काम करने वाली अनेक महिलाओं की तरह ज़ैदा भी पूरी तरह से अनपढ़ है।
उसने साक्षरता आंदोलन के बारे में कुछ भी नहीं सुना। सहारा पाने के लिए जैदा ने अपने बच्चे का स्कूल भी छुड़वा दिया। पति एक मिस्त्री है पर उसे रोज काम नहीं मिलता। जीवन की कठोरताओं की झलक साफ नजर आती है जैदा के चेहरे पर। बांग्लादेश एक उन्नयनशील देश, बांग्लादेश एक विकासशील देश है। जनतंत्र को मजबूत करने के लिए शिक्षा जरूरी है। उन्नत होने के लिए लोगों को साक्षर करना होगा, इसलिए सरकार ने लोगों को साक्षर करने का बीड़ा उठाया है। हालांकि यह कार्य बहुत कठिन है और इसके लिए बहुत धन की आवश्यकता है। जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से हमने इस कार्यक्रम में काफी हद तक सफलता पाई है। बहुत सारे जिले 100% शिक्षित हो चुके हैं। प्रथम दिके असुविधा हुए थे, हमने इन महिलाओं को केंद्र में लाने के लिए कड़ी मेहनत की है। शुरू में हमें बहुत समस्या हुई लेकिन हमने अपनी प्रतिबद्धता से उसका मुकाबला किया। आज हमारे यहाँ 1222 केंद्र चल रहे हैं। हाल ही में हमने 2 केंद्र और शुरू किए हैं। एक केंद्रीय समिति का गठन किया गया है और प्रत्येक केंद्र पर एक शिक्षक को नियुक्त किया गया है। यदि शिक्षक नवसाक्षरों को कक्षा में आने के लिए प्रेरित नहीं कर पाते तो समिति इस दिशा में ठोस कदम उठाती है। प्रत्येक ब्लॉक का एक सुपरवाइजर होता है। सुपरवाइजर लोगों से बातचीत करके शिक्षा के लाभ बताता है। ये सब लोग बिना किसी मुआवजे की उम्मीद से इस कार्य में लगे हुए हैं। ये राष्ट्रीय सेवा की भावना से किया जा रहा कार्य है। हमने अपने लक्ष्य के अनुसार प्रत्येक केंद्र में 30 नवसाक्षरों को पंजीकृत किया है। महिलाओं और पुरुषों की कक्षाएं अलग अलग समय पर लगती हैं। शिक्षण का काम महिलाओं की कक्षाओं में केवल महिलाएं तथा पुरुषों की कक्षाओं में केवल पुरुष करते हैं। महिला कक्षाएं दोपहर को तथा पुरुषों के लिए शाम को चलाई जाती है। सिंगेर ब्लॉक पूरी तरह से महिला अधिकारियों के अधीन है। यहाँ उपजिला तथा शिक्षा अधिकारी और उपभूमि आयुक्त महिलाएं हैं। इनके साथ हम एक केंद्र पर आते हैं। अधिकतर नव साक्षर आस पड़ोस की घरेलू महिलाएं हैं या खेतों में काम करने वाली है। हम शंभु राजवंशी के घर में चलने वाले केंद्र पर भी गए। 1 जनवरी 2002 से शुरू हुए इस केंद्र में अभी पहला प्राइमर चेतना एक ही पढ़ाया जा रहा है। शिक्षक पंक्तियों को इतनी बार दोहराता है कि आप ऊब जाएं। इस कार्यक्रम पर सरकार 9 महीने के लिए प्रति व्यक्ति 231 टका खर्च करती है। इसमें कॉपी, किताबों, स्लेट, पेंसिल, ब्लैकबोर्ड और गैस लैंप से निरीक्षक तथा स्वयं सेवक का वेतन तक शामिल होता है। मानिकगंज में नारी बिंबो अर्थात नारी छाया नामक केंद्र पर पहुंचते हैं। इस केंद्र का संचालन महिला सामाजिक आर्थिक केंद्र नामक एक गैर सरकारी संस्था द्वारा किया जाता है। हमारे पहुंचते पहुंचते सारी महिलाएं जा चुकी थीं। सामने थी उनकी पासबुकें और कुछ कढ़ाई का काम जो उन्होंने किया था। महिला मामलों के जिला अधिकारी राहिमा खातून के साथ हम एक कौशल विकास केंद्र में जाते हैं। वे हमें बताती हैं कि केंद्र पर आने वाली महिलाएं यहां कढ़ाई और सिलाई सीखती तथा बाहर से जो ऑर्डर मिलते हैं उनको पूरा करके कुछ पैसे कमाती हैं। 1 साल के प्रशिक्षण के दौरान इन महिलाओं को सामग्री केंद्र उपलब्ध कराता है और इस योग्य बनाता है कि वो स्वयं कुछ पैसा कमा सके।
हमने यहाँ दूर दराज के गांवों में चल रही कक्षाओं से लेकर यहाँ पर काम करते मजदूरों, खेतीबाड़ी में व्यस्त किसानों और मछुआरों को देखा। हमने नव साक्षरों, इनके शिक्षकों और अधिकारियों से बात की। जो लोग आज भी साक्षरता आंदोलन से नहीं जुड़े, उनकी मजबूरियां जानने की कोशिश की। इस दौर में हमें उत्साह और मायूसी, सक्रियता और ढीलापन दोनों नजर आए, पर केवल एक जिले के सीमित अनुभवों के आधार पर कोई निश्चित राय नहीं बनाई जा सकती, कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। हमने अपनी यात्रा जारी रखी। और एक